एक बार फिर से स्वागत है आपका काशी कर्मी में, बने रहिए मेरे साथ, मैं भी आपके साथ। जी हाँ सर जी, आप सबों के बीच में मैं एक और बिंदु लेकर उपस्थित हूँ। वह बिंदु बहुत ही जो है ना बार एग्जाम में देखने को मिलती है और भ्रमित ही करती रहती है। वह बिंदु क्या है? पुनर्बलन और पुनर्बलन, ठीक है ना। यह दो बिंदु ऐसे है जो है ना आपको देखने को मिलते हैं और बार बार एग्जाम में यह क्या ना भ्रमित करते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए उसको कैसे जो है ना इजीली तरीके से हम सोल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखने को मिल रही है आप सबों को क्या ना कि पुनर्बलन कौशल जो है ना किसे कहते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। यह सिद्धांत क्लार्क इस हल के द्वारा दिया गया है। इनके अनुसार आवश्यकता अर्थात नीड अधिगम का आधार है, अर्थात आवश्यकता ही क्या ना चालक है, अर्थात आवश्यकता ही क्या है, ड्राइव है, ठीक है। आवश्यकता पूरी होते ही चालक कम हो जाता है जिससे अधिगम की दर कम होने लगती है। अर्थात कोई भी इंसान है अगर उसको क्या ना आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वो क्या ना संतुष्ट होकर शांत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये हल ने क्या करते हैं, इसका प्रयोग 6 वर्ष की बच्ची पर की है, ठीक है। और 6 वर्ष की बच्ची जो है ना कैंडी को लेकर की है, ठीक है ना। और ये क्या किए हैं कि ये देखिए, ठीक है ना, कि 6 वर्ष की बच्ची को जो है ना करके देखते हैं क्या होता है। ये कहते हैं, अरे बाबू इधर आओ, तुम्हें कौन सा चीज़ खाने की पसंद है? ये कहते हैं बहुत अच्छा मिष्ठान जो मिठा लगे वो। ये कहते हैं अच्छा कैंडी पसंद है, ठीक है ना। और क्लार्क इसने हल ने कहते हैं कि कैंडी पसंद है। लड़की कहती है हाँ बिल्कुल रूप से। ये कहते हैं कि स्लो, उस सामने जो ना अलमीरा में बहुत सारा पुस्तक रखी है और उसमें क्या है ना आपको ये रखा हुआ है कैंडी, चलो ढूंढ के लाओ, ठीक है। और ये लड़की जो है ना वहाँ जाती है और जा करके ना बहुत सारे पुस्तक है उस पुस्तक को क्या है ना बिखेरती है, ठीक है ना, और कैंडी को ढूंढती है। वो पहली बार में बहुत समय लगाती है और बहुत समय लगने के बाद में मिल जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से फिर क्या ना हल ने क्या किए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे करके जो है ना समय लगते गया और समय कम होते गया, ठीक है ना। 9वीं बार में ये लड़की क्या करती है, ठीक है ना, वह 2 सेकंड में, ठीक है ना, 2 सेकंड में इस चीज़ को इजली से खोज लेती है, ठीक है ना, इस कैंडी को इजली से खोज लेती है। अर्थात यहाँ क्या देखने को मिला कि इसको जो है ना, इस बच्ची को जो है ना, ठीक है ना, ये क्या है ना आवश्यकता क्या है था तो कैंडी, क्योंकि ये भूख जो है ना इसके प्रति, कैंडी के प्रति भूख, और क्या है ना वह भूख क्या हो गया यहाँ पर, क्या है ना चालक, ठीक है ना, भूख क्या रहा चालक, और इसके प्रति चालक के प्रति आवश्यकता हो गई क्या, तो उसे ढूंढना, ढूंढ निकलना, ठीक है ना। तो आइए इस प्रकार से जो है ना ये हल ने इस सिद्धांत को क्या है ना 6 वर्ष की बच्ची पर प्रयोग कर क्या ना दिखाया है। चलिए इनके जो है ना सिद्धांत को समर्थक कौन कौन है, इनके जो है ना हल के सिद्धांत के जो है ना समर्थक अन्य जो है ना मनोवैज्ञानिक है, आइए देखते हैं। और बहुत ही इजीली तरीका से जो है ना आपको ट्रिक के माध्यम से इसको जो है ना आपको क्लियर कर देता हूँ हमेशा के लिए। जी हाँ, यहाँ पर देखने को मिल रही है क्या पुनर्बलन क्या ना सिद्धांत का समर्थक कौन कौन क्या ना मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप क्या, हल, पावलो, थर्नडाइक, स्किनर और मिलर। तो इन लोगों को जो नाम कैसे आप इजीली तरीके से याद रख सकते हैं, तो आइए क्या ना यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या ना, यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ क्या ना फिगर यानी चित्र, और इस चित्र से जुड़कर क्या है ना आप इन लोगों का नाम बहुत इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। आइए क्या है, तो हल्ले पांव थर्नडाइक स्किनर मिलकर पूर्ण बल से क्या ना खींचे, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है ना एक महिला गिरी हुई है यहाँ पर क्या है ना, और 2 महिला इनको जो है ना निकालने का प्रयास कर रही है यानी कीचड़ से, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्या है ना पाँव हल्ला हुआ है और क्या ना थर्नडाइक स्किनर जो है ना मिलकर पूरी ताकत से पूर्ण बल से क्या ना खींचने के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको कैसे जोड़कर जो है ना याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हले, हले से क्या हो जाएंगे यहाँ पर हल, ठीक है ना, पाँव, पाँव से क्या हो जाएंगे यहाँ पर पावलव, ठीक है ना, थर्नडाइक, थर्नडाइक है, ठीक है ना, स्किनर, स्किनर है, और मिलकर, मिलकर से क्या बन जाएगा यहाँ मिलर, ठीक है ना। और यहाँ पर पूर्ण बल मतलब कि पूरी ताकत, ठीक है ना, तब पूर्ण बल से मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगे पुनर्बलन, ठीक है। तो इस प्रकार से इजीली तरीके से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे कि हले, पाँव, थर्नडाइक, स्किनर मिलकर पूर्ण बल से खींचे। चलिए आगे देखते हैं अब पुनर्बलन सिद्धांत का ट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको क्या ना अपुनर्बलन सिद्धांत का समर्थक कौन कौन जो है ना मनोवैज्ञानिक है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या यहाँ पर कौन कौन है, वाटसन, स्टेटस और गुथरी आदि, ठीक है ना। और मुख्य रूप से ये 3 जो है ना व्यक्ति आपको ये मुख्य रूप से सिटेट में आते हैं। तो याद करने का ट्रिक यहाँ भी आपको है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ फिगर कुछ स्टेटस का जो है ना रूप। तो यहाँ पर क्या है ट्रिक क्या है, तो यहाँ पर देख पे क्या पा रहे हैं कि व्हाट्सअप स्टेटस गुरु अपूर्ण दिखा है, यानी व्हाट्सअप स्टेटस जो है ना कोई गुरु है, कोई टीचर है, क्या कर रहे हैं अपूर्ण दिखा रहे हैं, पूरा नहीं दिखा रहे बच्चे को, अरे पूरा नहीं करते, अरे देखो ये बहुत अच्छा मैं क्या ना स्टेटस लगाया हूँ, ठीक है, और बहुत थोड़े से दिखाकर क्या ना
नहीं दिखा रहे, ठीक है, अपूर्ण दिखा रहे, पूरा का पूरा नहीं दिखा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना, इस फिगर को जैसे इसमें देखिए, ठीक है ना, कैसे याद कर सकते हैं। व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप से क्या हो जाएगा, व्हाट्सन, ठीक है ना, स्टेटस से स्टेटस, ठीक है ना, गुरु 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 से क्या बन जाएंगे, गुथरी, ठीक है ना, अपूर्ण अपूर्ण से क्या बन जाएंगे, अपुनर्बलन, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, अपूर्ण से अपुनर्बलन। इस प्रकार से आप बहुत इजीली तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आप सबको बहुत इजीली तरीके से इसको जो है ना आप कर पाएंगे और हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।